मंत्र बुदबुदाते हुए और सरपत हाथ में मिट्टी लेकर के और ऐसे लिया, मंत्र फूका, मंत्र फूकने के बाद फिर मिट्टी को फेंका। इधर भी देख रहे हैं बहुत तेजी से अब सट रही है। बवासीर का इलाज निरहू जी करा रहे हैं और इन्हें हुआ है बवासीर। दूगो कई कई किस्म का बवासीर होले ना? तीन का प्रकार, तीन तीन प्रकार का। तो कौन प्रकार का? खूनी। खूनी है, मतलब जब आप लेट्रिन जाते हैं तो खून गिरता है उसके साथ। कहाँ कहाँ इलाज कराए हैं? इलाज तो नहीं कहीं कह रहा है। अच्छा शुरू हुआ है। अच्छा शुरू हुआ है तो यही जगह से आ गए हैं। हाँ जगह से पहुंच गए हैं कि फिर अब कहीं जाना ना पड़े। और कुल चिरबो करना ऑपरेशनों करना तो उसे डरियो लगत होगी। हाँ यो बीमारी होगा बा काट पीट के कुल सही कर दी है। हाँ अब आप इनको झाड़ेंगे और क्या क्या करेंगे? दवा दे रहा हूँ। अच्छा हाँ दवा दे रहा हूँ, दवा तीन खुराक में बंद करा दूंगा मैं। तीन खुराक में बंद करा देंगे? वाह, कैसे लेना है इनको दवा? इनको अभी दिया जाएगा तीन पत्ता सुबह बासी मुँह है। हाँ डेली पीना है। हाँ तीन दिन के अंदर वो बंद कर देंगे। मैं आठ दिन का कोर्स करूंगा मैं। अच्छा आठ दिन में तीन पत्ता अभी खाना है? हाँ तो दीजिए, लेकिन पत्ता धुल के खाएंगे ना? कैसे ही धो देंगे, गर्दा लगा है। हाँ चबा के पानी पी ली है? मैं पीस के घोट पानी में। अच्छा पीस के घोट पानी में, बस और कुछ नहीं करना है नहीं। इनको झाड़ना उड़ना नहीं है? नहीं। चलिए यार अब बवासीर का इलाज और अब दूसरा इलाज शुरू होने जा रहा है। हाथों में आप देख रहे हैं बांस की कैन है और इसको फाड़ा गया है। फाड़ने के बाद हाँ सर दर्द भी है थोड़ा, तो हल्लुक हल्लुक होगा ना बंद। अब देखिए हाथ फिराया और रोग खत्म। न सुई न दवाई निरहू डॉक्टर जब हाथ लगाई तो रोग दूर पर आई, ये बात ना? हाँ हाँ न सुई न दवाई। अब देखिए इधर मामला तैयार है। डॉक्टर साहब इसको भी दिखाइए। तीन दिन पिए के ना के तीन तीन बासी मुँह है, बासी मुँह है, तीन तीन पत्ता। हाँ यार उतना में एकदम तो टकाटक हो के एक बार खाली कोर्स करेंगे। कोर्स करना है, टकाटक होकर के आएंगे। चलिए अब देखिए इधर देखिए इस तरफ। मैं अपने सम्मानित कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर आकर के एक बार दिखाएं। यह एक किस रोग के लोग हैं? साटिका वाले, साटिका वाले लोग हैं। और इनको भी है, इनको भी है, अलग अलग लोग हैं ये लोग। खड़ा हो जाए जब बढ़ के आगे हमारे कैमरामैन एक बार उस तरफ चले जाएं, उधर से इधर दिखाएं। डॉक्टर साहब मिट्टी अपने हाथ में ले लिए हैं, जितने साटिका वाले मरीज हैं सब अपने हाथ में कहीं ले लिए हैं। एक तरफ एक लोग, एक तरफ एक लोग। चप्पल निकाल देने का, चप्पल जूता तो नहीं? हाँ चप्पल जूता है। हम भी थोड़ा सीखते हैं यहीं से सुन करके। सट जाती है क्या? अब देखिए मंत्र का प्रभाव होगा कि यह कहीं सट जाएगी आपस में। अब बीच में यह दोनों दो जगह है, अगर साटिका होगा तो ऐसे चिपक जाएगी। निरहू कुशवाहाजी हाथ में मिट्टी लेकर के और ऐसे लिया, मंत्र फूका, मंत्र फूकने के बाद फिर मिट्टी को फेंका और मिट्टी जहां तक मरीज लोग हैं वहां तक मिट्टी जा रही है, मिट्टी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं यह दोनों भाग, दोनों सिरे जो कैन के बांस के हैं वह अब धीरे धीरे सटते जा रहे हैं। काफी जो दूर का फासला था वह नजदीक होता जा रहा है और यह साटिका का रोग जिससे लोग परेशान हैं इससे निजात मिलती है। रविवार और मंगलवार दो दिन ऐसे हैं कि यहाँ निरहू जी के यहाँ भीड़ लगती है, लोग आते हैं और इलाज कराते हैं। बहुत बड़े बड़े चिकित्सकों के पास जा करके लोग थक जाते हैं तो निरहू जी के पास आते हैं। देखिए कई जगह आप देख रहे हैं कहीं सटने के कगार पर है, बहुत तेजी से।
चल रही है, यानी जिसको ज्यादा सटिका होगा वो जल्दी से सट जाएगी, ऐसा ही देखते रहिए। हमारे छायाकार एक बार नजदीक से भी दिखाएं जहां जहां सट रही है। और यह है मंत्र, मिट्टी रखा है, यह भी मिट्टी एक तरह से मंत्र से पोषित की गई होगी। इसके बाद थाल कैसे सटाएंगे निरहु डॉक्टर, उसे भी हम दिखाएंगे। इन्होंने मंत्र से इलाज किया है और भारी भीड़ लगती है। हम आए हैं तो बहुत से लोग चले गए थे, बहुत से लोग अभी आ रहे हैं, दूर दूर से आते हैं। देखते रहिए, एक आध दो जगह तो अब एकदम सटने के कगार पर है। मैं एक बार दिखा भी रहा हूँ, देखिए यहाँ देख रहे हैं काफी फासला था, अभी नजदीक हो गया है। मैं एक बार चाहूंगा इधर से दिखा दिया जाए और बहुत तेजी से इस फासले में कमी आ रही है। दूर दूर था लेकिन अब काफी नजदीक हो गया है। एक बार यहाँ देखिए, यह अब सटने के कगार पर है, जबकि हाथ उनके वहीं हैं, दूर दूर हैं, लेकिन कहीं अब सट रही है। इधर एक माता जी हैं और उधर एक भैया जी हैं, इधर भी देख रहे हैं बहुत तेजी से अब सट रही है। इस समय मरीजों की संख्या है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 20 लोग हैं इस समय। एक साथ 20 मरीजों का इलाज और मंत्र का प्रयोग करते हुए निरहु जी। यहाँ दो निरहु हैं, गाजीपुर या गाजीपुर जनपद है दोस्तों, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ और दूसरे निरहु। निरहुआ के यहाँ भी भीड़ लगती है लेकिन निरहुआ पॉलिटिकल एलिमेंट है और निरहु रहे बीमार। बहुत पहले निरहु ने गा दिया था निरहुआ ने, निरहु रहे बीमार, दुल्हिन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। अब इसको चरित्रार्थ इन्होंने किया है कि यह कहीं सट रही है, दुल्हिन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। लेकिन निरहु डॉक्टर पके पके बाल, घनी मूछें और फिर मिट्टी हाथ में लेकर के, चूना भी हाथ में लगा हुआ है और इधर कुछ फुटकर पैसे, 50 रुपया है, 20 रुपया है, 10 रुपया है, 20 रुपया है, 100 रुपया है, 10-10 के कई सिक्के भी दिख रहे हैं और 5 का तथा 2-1 का भी सिक्का दिख रहा है। यानी जिसके पास जो है उसी से काम चल जाएगा। सट गई कहीं एक जगह, देखिए दो जगह सट गई है, इसका मतलब उनका रोग और शरीर में हलचल और एक्शन भी हो रहा है। लेकिन भैया मेडिकल साइंस क्या कहता है और मैं इसके लिए इसकी हामी नहीं भरता और इसका पक्षधर मैं नहीं हूँ, लेकिन चल रहा है, इतने लोग आ रहे हैं तो मैं मना भी कैसे कर सकता हूँ। अब लाभ हो रहा है तो तभी तो आ रहे हैं लोग। देखिए सट गई, हो गया। अच्छा, जिनका सट गया है उनका क्या था? साटिका, उनको साटिका था, और जिनका कम सटा है उनको कम साटिका था, वो दोबारा सटेगा। जो पहला बार आया तो रह गया तो वो दोबारा फिर कवर करेगा। अच्छा, दोबारा आएंगे लोग, दोबारा सटेगा। देखिए, अच्छा इनको यह सट गया है, इनका सट गया है, देखिए इन लोगों का सट गया है। अब देखिए, जो लोग इसमें खड़े पाए गए हैं यानी जिनका सट गया है, अब उनके साथ डॉक्टर साहब अगला कदम क्या उठा रहे हैं इसको देखिए। उंगलियों से नापा और यह है सरपत, नाप करके उसको काटा और काट करके फिर शुरू कर दिया झाड़ना।
मंत्र बुदबुदाते हुए और सरपत से झाड़ते हुए साटिका खत्म करने का ये एक तंत्र मंत्र। उधर तमाम लोग देख रहे हैं, फिर से लाइन में लग गए हैं मरीज लोग, जिन्हें आप देख रहे हैं हाथ आगे करके, और हाथ उनका सरकेगा, सरकते हुए आगे आएगा और फिर उनका भी इलाज किया जाएगा। फिर से दोहराऊंगा कि यह क्या है। पहले तो तंत्र मंत्र ऐसा होता था, लोग झाड़ते थे, झाड़ फूंक करते थे, उससे इलाज होता था। वर्तमान युग में इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्या है इसे आप भी बताइएगा। विज्ञान मेडिकल साइंस इतने चरम पर है, यदि ऐसे में भी जहां मेडिकल स्टोर ना हो, जहां कोई दवाएं ना हो, जहां कोई इस तरह का मशीनीकरण ना हो इलाज का, निरहू डॉक्टर यही सरपत लेकर के और वह डंडा लेकर के, डंडा वतन दिया भैया, हाँ यह डंडा लेकर के और थाली लेकर के, ये देखिए थाली है, थाली से मिट्टी से और चूना से इलाज करते हैं, कैन से, बांस की कैन से। देखिए एक ही तरफ इनको दर्द है, सर्वाइकल है, लेकिन अब घूम घूम करके लोग आते हैं, यही इलाज कराते हैं। देखिए एक दो तीन चार, अब उसी से इन्होंने मारना शुरू किया, साटिका छू मंतर हो जाएगा। कई बार आना पड़ेगा इनको? पांच बार के बाद काम खत्म। अच्छा हे, डंडा का प्रयोग भूत उत के ऊपर पकड़ा लाते हैं, डंडा का प्रयोग हो लगना। अच्छा भूत भूत भी छुड़ाते हैं? तब एक इतना बढ़िया बीमारी भूत वाली है, चुरैन चुरैन ऐसा क्या डॉक्टर है भूत वाला? भूत चुरैन वाला रहेगा तो वो अपने आप ही वो भर जाएगा तो भाग जाएगा। अच्छा चुड़ैल छुड़ाते हैं भूत नहीं? अगले मंगलवार को आपको आना है, ठीक ना? कुछ असर लगत है पहले से? देखिए कह रहे हैं कि बहुत आराम है हमको, देखिए हाथ चलना शुरू हो गया उधर, और कपड़ा कितना लिया होगा परी? अच्छा छोटा सा। एक तरफ इनको भी दिक्कत है, दाहिने तरफ इन, अच्छा इधर भी है। बता रही हैं जमीन पर हमारा पैर, पर्ची भी लगती है? पर्ची लगती है, हवा भी हो के दिक्कत रहता था हम लोग। अच्छा हवा आती है, मतलब हवा माने हवा प्रेत, जैसे भूत प्रेत अगर आता है तो रोक देता है, वो काम को इलाज नहीं करता। अच्छा रोक देते हैं। देखिए एक चीज और साफ हो गई, अगर बाहरी हवा ऊपरी हवा आती है तो उसको रोक देते हैं, हवा उसकी उसका इलाज नहीं करते हैं, लेकिन आती नहीं है, इसलिए पर्ची भी लगती है। देखिए उधर बहुत तेजी से हाथ चलने लगा, और इसका मतलब गैस का प्रॉब्लम है, तेजी से हाथ जिसका चल रहा है उसका। अब एक इलाज बाकी रह गया है थाली वाला, अब उसको देखते हैं इसका क्या है।
झाड़ फूंक से बड़े बड़े रोगों का इलाज, न सुई न दवाई। डॉक्टर निरहू के देखले पर रोग छू मंतर हो जाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हेकर हेकर वाला ही ले जवा हो जाए एक बार। भैया तो नहीं आ जा। हाँ वही आ जा, बैठ जा, आ जाइए। कौन करे का हाय बाबा है कि क्या कर। रुक रगड़ ले, रुक दा।